और ये है जी हमारे मुरब्बे की फाइनल लुक। केड़ी का मुरब्बा हमने रेडी किया है बहुत ही सिंपल वे के साथ और झटपट से। तो आप इस मेथड को फॉलो करते हुए फटाफट से केड़ी का मुरब्बा बच्चों के लिए जरूर रेडी करिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल खैरियत से हैं, अल्लाह का करम है। और अल्लाह ताला से आप सबके लिए भी हमारी यही नेक दुआएं हैं कि अल्लाह ताला सबको अपनी अपनी हिफाजत में रखें और आप जहाँ कहीं भी रहें बिल्कुल हैप्पी रहें, हेल्दी रहें, हंसते रहें और मुस्कुराते रहें। इसी नेक दुआओं के साथ आपको एक मरतबा फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल लवली स्वीट होम चैनल में वेलकम करते हैं। और लवली स्वीट होम चैनल की किचन में आज आपके साथ जो है वो शेयर करने जा रही हूँ मुरब्बे की रेसिपी। जी हाँ, आज हम कैरी का मुरब्बा जो है वो अपने किचन में नया करने जा रहे हैं। माशाल्लाह से मार्केट में मैंगो भी अरूज पे हैं और जो है केरी इसका मुरब्बा जो है आज मैं बनाने जा रही हूँ। अराउंड मेरे पास 1.5 kg के करीब जो है वो केरी मौजूद है। दो दिन मैंने छील ली हैं, उनको पानी में रखने हैं ताकि ये ब्लैक ना पड़े। उसकी कटिंग मैं बाद में कर लूँगी, पहले उनको मैं पील ऑफ कर रही हूँ अच्छे तरीके से धोने के बाद। ठीक है, तो मैं ऐसा कहकर गई थी कि मेरे स्कूल से आने तक आपने इसका मुरब्बा रेडी करना है। तो यहाँ पर मैं इसको जो है वो छील रही हूँ और बहुत ईजी वे के साथ हम इसका जो है वो मुरब्बा रेडी करेंगे। तो चले जी, मैं कैरी को छील लूँ फिर उसके बाद इसके जो है वो नेक्स्ट स्टेप पे जाने चाहेंगे। यहाँ पर मैंने अपने जो कैरी है उनको छील लिया है। मेरे पास टोटल 5 थी लेकिन जो है एक हमारी चुन्नू मुन्नू की कैरी ऊपर से तो बाजार ठीक थी लेकिन वो कुछ ख़राब निकली है, उसको मैंने इस्तेमाल नहीं किया। पर मैंने इसको यूँ करके जो है बस इसको कटिंग कर लेना है। ठीक है, ऐसे जो है वो साइज में। ठीक है, तो चने जी इसी तरह करके इनकी मैं जो है वो सबकी कटिंग कर लूँगी। ठीक है, और फिर उसके बाद इसके नेक्स्ट स्टेप पे जाना चाहेंगे। तो चने जी यहाँ पे केड़ी की कटिंग हो गई है, पानी मैंने वेस्ट कर दिया था, केड़ी को कटिंग कर लिया है और इतनी केड़ी जो है वो कटिंग करने के बाद मुझे जो है वो मिली है। तो चने जी अभी यहाँ पर टाइम है नेक्स्ट स्टेप की जानब जाने का और नेक्स्ट टाइम में हमने फटाफट से अपनी फ्लेम की जानब बढ़ना है और फ्लेम को जो है वो ऑन करते हैं और इसका नेक्स्ट स्टेप की जानब करते हैं। यहाँ पे फ्लेम की जानब आ चुके हैं। पैन लिया, पैन में मैंने तकरीबन 3 ग्लास पानी के लिए हैं। ठीक है, इस 3 ग्लास पानी के अंदर पानी हमारा गर्म हो चुका है, इसके अंदर हम अपनी कैरी को ऐड कर देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और बस अब इसके पकने का वेट करेंगे। बाउल को अच्छे तरीके से साफ कर लेंगे। तो जैसे ही हमारी कैरी में बॉयल आता है पकना स्टार्ट हो जाती है तो अच्छे तरीके से इसको पका लेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे जाने पड़ेंगे मिलते इसके अच्छे तरीके से बॉयल होने पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी कैरी में अच्छे तरीके से बॉयल आ गया है, कैरी हमारी गल चुकी है। अब हमने पानी को ड्राई नहीं करना बल्कि इसको फटाफट करेंगे स्ट्रेन और स्ट्रेन करने के बाद नेक्स्ट स्टेप पे जाने चलते हैं। चलें जी, यहाँ पे हमने अपनी केड़ी का जो पानी है एक्स्ट्रा वो सारा जो है वो कर दिया है ड्रेन। तो हम इसमें ऐड करेंगे शुगर। केड़ी में जितनी केड़ी हो उतनी ही शुगर इस्तेमाल होती है लेकिन हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शुगर जो है वो मैं तकरीबन एक नॉर्मल सा कप लिया है क्योंकि हमारे यहाँ जो है हम ज्यादा जो है वो मीठा पसंद नहीं करते। शुगर मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है, शुगर के पकने का वेट करते हैं और साथ ही इसमें 1 से 2 चीज़ें और भी ऐड करेंगे। तो यहाँ पे चीनी जो हमारे पकने लग गई है इसी पॉइंट में इसमें सब्ज़ इलायची और 2 अदर दालचीनी के टुकड़े ऐड करेंगे और इनको भी इसके साथ जो है वो अच्छे तरीके से पका लेंगे ताकि इनसे जो है वो मज़ेदार सी खुशबू जो है वो हमारे मुरब्बे के अंदर फैल जाए, खूबसूरत सी खुशबू आ जाए। तो भाई इनको हम मसलसल पकाते जाएंगे और फ्लेम थोड़ी सी मैंने हाई रखनी है क्योंकि गैस के बंद होने का भी टाइम होने वाला ही है। तो इससे पहले कि हमारी गैस बंद हम फटाफट से अपने मुरब्बे को रेडी करेंगे। चलें जी, इसी पॉइंट में हम इसमें थोड़ा सा जो है वो 1 चम्मच के करीब जो है वो सिरका ऐड करेंगे। सिरका ऐड करने से आप अगर आपके पास जो है वो लेमन जूस है तो वो इस्तेमाल कर लें लेकिन मैंने सिरका इस्तेमाल किया था। ये होगा कि हमारा जो है ये जो है मुरब्बा हम इसको नीचे वाले फ्रिज के पार्ट में भी रख दें तो ये ख़राब नहीं होगा, लेकिन ये जितना सा बना है तो ये इतने दिन तक चलेगा नहीं बल्कि बच्चे इसको फटाफट से ही शौक शौक से खा लेंगे। तो हमने इसको मुसलसल अभी फ्लेम स्लो थोड़ी सही करके पकाना है ताकि चीनी का पानी हो जाए ड्राई और हमारी जो केड़ी है वो अच्छे तरीके से घुल जाए। और यहाँ पे भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो मुरब्बा है वो मज़े का जो है वो रेडी हो गया है। आप इसकी लुक ही चेक कर लें कितना ये यमी सा लग रहा है। हाँ, इसमें चीनी जितनी मैंने आपको दिखाई थी उतनी ही चीनी मैंने दोबारा से फिर इस्तेमाल की है क्योंकि ये थोड़ा सा भी खट्टा लग रहा था तो थोड़ी सी चीनी मैंने और इस्तेमाल की, जितनी दिखाई उतनी ही चीनी। तो यहाँ पे जो हमारा मुरब्बा हो चुका है रेडी, थोड़ा सा इसको ठंडे होने का वेट करें। कुछ चम्मच इसमें जो है वो अभी केड़ी के मौजूद हैं जो कि अच्छे लगते हैं खाने में,
तो इसको ठंडा होने पे इसकी फाइनल लुक आपके साथ शेयर करते हैं, ठीक है। और ये है जी हमारे मुरब्बे की फाइनल लुक, माउथ वाटरिंग सा गजब का जो हमारा मुरब्बा है वो रेडी हो गया है और बच्चों ने खाया है और बच्चों को पसंद भी पड़ा आया है। तो चलें जी चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ आऊँगी। तब तक के लिए इजाज़त है, अपना और अपने इर्द-गिर्द के रहने वालों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।